हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी 2020 और सीरीज है हमारे पास से। अब तक हमने 57 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से डील कर लिया था, ठीक है, बाय द ओल्ड एंड न्यू पैटर्न्स। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो 1991 की अगर हम बात करें तो एलपीजी आपको याद होगा, ठीक है। तो एलपीजी में आपका लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन कंडीशंस बनी थी। तो उन्हीं कंडीशनों को लेके है ऐसे डिस्टर्ब। सो अरे बोलना मत भाई, आंटी इसको क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑप्शन है वर्कर प्रोडक्टिविटी, अगर हम देखते हैं 2004 और 5 का बेस के हिसाब से, तो इंक्रीज इन अर्बन एरिया व्हाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरिया। सो इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। इसका जवाब हम बाद में देंगे, बट फिर देखते हैं हम। सेकंड हमारे पास ऑप्शंस, द परसेंट शेयर ऑफ द रूरल एरिया इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड। सो जब भी ये एक्सट्रीम बर्ड्स आते हैं, जैसे आपका स्टेडली है ना, अगर सस्टेनेबल होता तो पॉसिबली है कि इसके चांस हैं सही होने के, ठीक है। सो हेयर यहाँ सस्पेंस है थोड़ा सा, इसको अभी हम देख के चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिर ऑप्शन है, इन अ रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म्स इकोनॉमी इंक्रीज, पॉसिबल है मे बी। फोर्थ है हमारे पास, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। सो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे डिक्रीज है या इंक्रीज है, वैसे तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि इस टाइप के अगर हमें ऑप्शन दिए होते हैं तो इसका आंसर हमारे पास नो होता है। सो अगर स्टेडीली लगाए तो डेफिनेटली हो जाते हैं हम कि ये गलत होगा। अगर हम दो को हटा देते हैं इसमें से, दो अगर हमने निकाल दिया तो क्लियर कट है हमारे पास, ये फर्स्ट गया एंड फोर्थ गया। अब हमारे पास बचा थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड। सो ये तो क्लियर है कि तीसरा हमारा सही होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं हम क्या है। फोर्थ था हमारे पास, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, पॉसिबल है, यस ये हुआ होगा, एलपीजी है, ठीक है। बिकॉज ये 1991 में जब ये सारी कंडीशन हुई थी, जब उन्होंने फेस की थी इंडिया ने, ओके। सो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, ओके। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेंगे क्या है। हिंदी में वही कहनी है कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है हमारे पास, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 और 5, ठीक, ये आपका बेस ईयर दिया है, में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। उसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो सतत वर्ड है ना, हिंदी के लिए थोड़ा सा आप कान अपने सतर्क कर लीजिएगा, जब भी सतत वर्ड आए तो पॉसिबल है कि इसका आंसर गलत होगा, ठीक है। सो आप इसको दो को हटा देंगे तो आपका वैसे भी दो को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, देन वी कैन, ये फर्स्ट गया एंड ये गया, देन थर्ड तो हमारा पॉसिबल है सही होगा। अगर थर्ड सही है तो कॉमन सी बात है। फोर्थ को हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई थी, यस ये हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट में हमारा ये कंपाइलेशन होता है तीन का, पीआईबी एंड द हिंदू एंड यू कैन से दैट इंडियन एक्सप्रेस। सो हमारे पास टॉपिक है, जैसे आपने ये वर्ड्स नहीं सुना होगा, बट हम इसको 5 अक्टूबर को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। रीजन क्या है कि ये मिशन जो है 5 अक्टूबर को लॉन्च होगा, बट इसको मैंने थोड़ा सा पहले डाल दिया। रीजन क्या है, इसको हम कवर करके चलेंगे शुरू से ही, ओके। सो देखते हैं क्या है। ये हमारे पास साइक मिशन मून, ये लॉन्च किया गया है बाय द नासा, यू कैन सी दैट इट्स ए स्पेस एजेंसी ऑफ द यूएसए। एंड इसका लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो वो है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमेम्बर करना है कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है, तो वो है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी, है ना, विच इज द लॉन्च व्हीकल ऑफ द साइकन मिशन मून। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इसका पर्पस क्या है, क्या गोल है, क्या एम है। सो देखेंगे, नासा का फर्स्ट मिशन है ये, नासा का पहला मिशन होगा जो स्टडी करेगा एन एस्ट्रॉइड दैट हैज मोर मेटल देन रॉक एंड आइस। यू कैन से दैट जिस तरीके से रॉक एंड आइस में आपके मेटल्स होते हैं, उन मेटल से ज्यादा हमें मिलेगा किसमें, एस्ट्रॉइड्स में, ठीक है। सो आपको अब तक देखा था हमने कि हम मून के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, उसके बाद हम सन के बारे में, हमने आदित्य L1 को भेजा था, और अब हम मून की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 था। तो ये कुछ आपको टर्मोलॉजी याद रखनी है, बट अगर हम अब देख रहे हैं कि हम एस्ट्रॉइड्स का भी स्टडी करेंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि अब हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो एस्ट्रॉइड के बारे में देखते हैं। एस्ट्रॉइड साइक इज
located in main asteroid belt, you can say that between the Mars and Jupiter. अगर आपको नाइन प्लैनेट याद है तो नाइन प्लैनेट में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि मार्स और जुपिटर के बिटवीन में कोई बेल्ट होती है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ओके, क्लियर कट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास इंडियन एजिंग रिपोर्ट। एजिंग का मतलब है बूढ़ा होना, और इस रिपोर्ट की बात करें तो इसको रिलीज किया गया बाई द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। ये अगर आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये जरूर आपको याद रखना है द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यू कैन से दैट UNPF। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। रीजन क्या है, ये रिपोर्ट अभी देख रहे हैं कि अपने इंडिया में जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं, है ना, और उसका परसेंटेज भी दिया गया है, उसको देखते हैं। द परसेंट ऑफ द एल्डरली इन इंडिया हैज बीन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है ना, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। सो बाई 2050 तक अगर हम देखेंगे, हम 2050 तक देखेंगे तो कितने बूढ़े लोग हो जाएंगे, टोटल पॉपुलेशन जो है अपनी उसका 20% लोग ही बूढ़े लोग होंगे। ओके, तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, UNPF, यू कैन से दैट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और ये रिपोर्ट का नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास है कोले वेटलैंड। कोले वेटलैंड, वेटलैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेटलैंड का अगर कहीं भी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये जरूर याद रखना है। अरे महाराज नेक देर चुप पे जाओ, बस रखना है ये केरला का है, ठीक है। सो केरला आप सदर्न पार्ट्स में कह सकते हैं, इट्स सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन मैप। उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास क्या है, एक है कैबुमा फुरकटा, या इसको आप पिंक ब्लूम कह सकते हैं, या फिर इसको आपको रेड कैबुमा कह सकते हैं। अच्छा ये है क्या, ये मैं बता दूं कि जैसे आपका मान लीजिए ये आपकी कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है, और वाटर बॉडीज में ये ग्रो होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट। अब आपके लिए यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा हम डील कर लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि कैबोमा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा आपका फुरकेटा। अब फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, जैसे पूछ लिया उसने कि ये आपका मैंग्रोव का ट्री है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट मैंग्रोव, एंड नेक्स्ट आपके पास दे दिया कि जैसे ये एक्वाटिक है, या फिर आपके पास फोर्थ दे दिया टेरेस्ट्रियल है, ओके, या नन ऑफ दीज है। तो आपको इसको याद रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्वाटिक प्लांट है, यानी कि ये पानी में उगने वाला प्लांट है। ओके, सो इन दिस वाटर शील्ड फैमिली, और ये तो क्लियर कट है भाई, जब एक्वाटिक है तो वाटर शील्ड फैमिली होगा। और उसके बाद है फिर हमारे पास नेटिव की बात करें तो ये किस नेटिव में है, कहां से आया है, तो ये आपका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से। ओके, अच्छा इसमें कुछ फूल भी आते होंगे, यस, फूल जो आते हैं आपके वो फूल कैसे होते हैं, पर्पल, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, पर्पल टाइप के फूल होते हैं, और ये आपका यू कैन सी दैट सबसे ज्यादा फाउंड कहाँ होता है, केरला में। ये थोड़ा सा आपको वर्डिंग याद रखनी है कि कैबुमा फुरकटा ये एक्चुअली में क्या है, वाटर शील्ड प्लांट्स है विच इज आर ग्रो इन वाटर, एंड फ्लावर इज अ पर्पल एंड फाउंड मोर देन केरला। अच्छा ये सॉरी थोड़ा सा इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है, बट हम फिर भी देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क की जब भी बात होती है तो इसमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका सीन ये होता है कि इसमें प्रोटेक्शन जो होता है वो नन के बराबर होता है, यानी कि कोई भी आदमी उसमें जा सकता है, घास ले सकता है, लकड़ियां इकट्ठी कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है इन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता, नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है, वहां क्या होगा आपका सीन, नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, आप अंदर नहीं जा सकते, कोई अगर स्पेशल ऑफिसर है ना वही वहां पे जाएगा। तो देखते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो उसकी लोकेशन हम देखते हैं वो कहाँ पर है, ये है बिहार में। तो देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला क्वेश्चन बने या फिर नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन बने, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये भाई है कहाँ, ये सिचुएटेड कहाँ पे है, ठीक है। सो लोकेशन हमें पता चल गई, लोकेशन है इसकी कहाँ पे, बिहार में। उसके बाद माउंटेन रेंज की बात करते हैं, तो दो आपको रेंज याद रखनी है, एक विद्या रेंज और एक कैमूर हिल्स। तो दो है, एक कैमूर, ठीक है, सीधी सी बात वहीं से निकाल लिया इसने, क्योंकि कैमूर और यही कैमूर को ही उसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फिर हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अब इंडिया में ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है, जैसे आप किसी मोमोज की दुकान पे गए, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, आपको उसी कागज पे एक न्यूज़पेपर का कागज लिया और उस कागज पे उसने मोमोज रख दिए। अब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ तो मोमोज जो है वो ऑयली है, उसके बाद न्यूज़पेपर में एक इंक होती है, ठीक है, इंक, उसी इंक के थ्रू लिखा जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई और ये जाके आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान करती है और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका मान लीजिए कैंसर भी हो सकता है इससे, लीवर फेलियर भी है या लंग डैमेज है। अब देखिए इतनी छोटी सी बात है हम ध्यान नहीं देते हैं, या मान लीजिए हम चाउमीन खाने गए, चाउमीन वाले में उन लोगों ने क्या किया कि न्यूज़पेपर जो है
उस पर उन्होंने क्या रख दिया, वही चाउमीन रख दिया है ना। तो ये क्या हुआ कि बाद में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं जब हम मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो नॉन वेज या वेज बिरयानी खाते हैं तो वो लोग देखते होंगे कि कागज पे ही वो लोग उसको देते हैं, जिसमें मान लीजिए आपका चावल या फिर सोयाबीन वगैरह होता है। तो इससे आगे चल के हमें जो समस्याएं होंगी, जैसे कैंसर है, लीवर फेलियर है, लंग डैमेज है, तो क्या इंडिया ने इसके लिए कुछ किया है? यस किया है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, पहले उनको देखते हैं। जैसे क्या क्या कंपोनेंट होंगे, जैसे आपका इंक की बात करें, जो इंक की जाती है यूज न्यूज पेपर में, तो उसमें आपके लिए सबसे घातक चीज है जैसे लेड, ठीक है। और एक केमिकल यू कैन से दैट, ये थोड़ा सा नाम याद रखना है बाय द IUPAC, ये है नेफ्थालेमिन एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारे लिए। और एक और है हमारे पास एग्नोटिस्ट फॉर द AHR, यू कैन से दैट एरिल हाइड्रोकार्बन्स रिसेप्टर्स। इतने केमिकल्स होते हैं, आप देख रहे हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस न्यूज़पेपर में हम खाना खा रहे हैं उस न्यूज़पेपर में किस तरीके की हमें बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम AHR की बात करें तो ये प्रोटीन है दैट मेडिएट द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जैसे यू कैन से दैट, ऐसे अगर कोई आदमी पॉइजन लेता है, जहर लेता है ना, तो अगर वो जहर लेगा तो जैसे बहुत सारी ऐसी गेहूं में डालने वाली दवाएं आती है तो उसमें भी टॉक्सिसिटी होती है। तो ये इंसान को कहते हैं ना कि जैसे अगर किसी ने जहर खा लिया तो वो एक दो दिन में या मान लीजिए एक दो घंटे में खत्म हो जाता है, या फिर मान लीजिए अगर खत्म भी नहीं हुआ तो आगे चल के बहुत सी बीमारियां उसके बॉडी में यू कैन से दैट ग्रो हो जाती हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसको कौन देख रहा है, तो इसको देख रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड यू कैन से दैट रेगुलेशन एक्ट जो 2018 में आया था। आप इसको शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं FSSAI, ठीक है। बाबा रामदेव को आपने प्रोडक्ट देखा होगा तो उसमें वो हर प्रोडक्ट पे लिखा है कि ये पास हुआ है FSSAI के द्वारा, हो सकता है पास किया जा सकता हुआ। अच्छा आगे देखते हैं, अगर इसकी हम बात करें यूज ऑफ न्यूज़पेपर और सिमिलर मटेरियल्स फॉर द स्टोरिंग एंड रैपिंग्स फूड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब देखिए ये सारी कंडीशन है, पर अगर आप ठेले वाले से कहेंगे ना कि ये गलत है भाई, इंडिया में इसके लिए एक रूल्स भी है जो FSSAI ने 2018 में बनाया था है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बट वो लोग नहीं मानेंगे। बट हाँ आपके पास प्रूफ है कि इसके खिलाफ भी आप थोड़ा सा अगेंस्ट में जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर हम इनिशिएटिव टू कंट्रोल HIV/AIDS। HIV/AIDS की बात करें तो क्या क्या इनिशिएटिव चलाई गई इंडिया में, बाद बाकी तो आपने इसको 10th क्लास में पढ़ाई होगा अच्छे तरीके से, 10th और 12th में देखा होगा HIV/AIDS जो है क्या नहीं है। हमें इसकी इनिशिएटिव देखनी है क्योंकि हमारी UPSC में ये नहीं पूछता कि भाई ये जो है एड्स की फुल फॉर्म बताओ, डजंट मैटर है ना, HIV डजंट मैटर। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम चल रही है अभी जो उसके अगेंस्ट में है। सो हमारे पास है जैसे यू कैन से दैट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको आप वन वर्ड में कहेंगे NACP। सेकंड हमारे पास नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-14, यानी कि 2017 से लेके ये चलेगा आपका 24 तक है ना, एक साल और है अभी। एंड मिशन संपर्क, जिसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए मैंने क्या होता है ना कि जब भी हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो उतना ब्रॉड नहीं पूछता, वो तो शॉर्ट टर्म आपसे पूछ फिनिश कर देता है। पर UPSC की खास बात यह है कि वो आपको बहुत डीप तक ले जाता है ना, एकदम कंसेप्ट तक ले जाता है। सो संपर्क चलाया गया है ट्रेस करने के लिए अंडर द एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू। उसके बाद एक और है टेरा हर्टस रेंज, यू कैन सी दैट THR। तो तीन कंपनी आपको याद रखनी है जो HIV/AIDS के लिए चल रहे हैं। पहला आपके पास है NACP, यू कैन सी दैट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स। एंड सेकंड है आपके पास संपर्क, यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है जिस आदमी को एड्स हो जाता है तो हम उससे संपर्क नहीं बनाते हैं, बोलते कह रहे यार ये तो बीमार आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप उसे टच करिएगा चाहे उसे हाथ लगाइए, डजंट मैटर है ना। उसके बाद थर्ड है हमारे पास तेरा हर्टस, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आ जाते हैं हम अपने प्रिंट पेज पे द हिंदू। तो द हिंदू का प्रिंट पेज हमारे पास क्या कहता है, कावेरी डिस्प्यूट्स यू कैन से दैट CWMA, यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द CWMA, अपहोल्ड्स पैनल डिसीजंस। ये ना कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चलता रहता है कि कर्नाटका जो है, तमिलनाडु कई बार पानी के लिए तरसता है और कर्नाटका उसमें ड्रामा करता है, ये सारी चीजें हैं। बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसको एक रफली समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए रफली समझेंगे, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको स्टेबलाइज किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किसके लिए? ये ओवरसी करेगा, ओवरसींग का मतलब है देखरेख करना, जैसे कावेरी रिवर वाटर है जो स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी, यू कैन से दैट इट्स ए सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। यहाँ पे ये आपकी कावेरी वाटर है, तो यहाँ पे ये आपकी चार स्टेट आपको याद रखनी है, कर्नाटका, ओके, केरला,
एंड पुदुचेरी एंड द नेक्स्ट आपके पास है तमिलनाडु। ओके सो अब क्या है, इसको फॉर्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी 2018 की बात है, ज्यादातर रूल्स 2018 में अच्छे बने थे आफ्टर कोविड, है ना, सॉरी बिफोर कोविड, कोविड से पहले की कहानियां हैं सारी। विच मैंडेट टू क्रिएशन ऑफ सच अथॉरिटी टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर ऑल वाटर कलेक्शंस। सो वाटर को लेकर जो विवाद है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक यू कैन से दैट वर्डिक्ट दिया था कि भाई इसको किस तरीके से यूज करना है। आगे देखते हैं, CMA यानी कि आपका कावेरी वाटर कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविजनिंग करेगा किसकी, रिलीज करने की कावेरी वाटर, यानी कि कावेरी आप समझ रहे हैं ना, कावेरी एक नदी है, उसका जो पानी है वो बटना है कर्नाटका से लेके तमिलनाडु तक, और अदर जो डाउन स्ट्रीम स्टेट है जैसे पुदुचेरी और केरला भी हमने देखा था एज पर द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, और इसके लिए एग्रीमेंट हुआ। अब ये प्ले एक यू कैन से दैट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और इंश्योर करता है कि भाई जो पानी होगा वो बराबर बांटा जाएगा, है ना, अमंग द स्टेट स्टेट आर रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज। अगर कोई भी इसमें से डिस्प्यूट आता है बिटवीन द स्टेट देन यू कैन इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स। ओके आगे द कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो उसको ट्राइबल जो है वो प्रोवाइडेड करता है रिकमेंडेशन ऑफ शेयरिंग कावेरी रिवर वाटर्स को, एंड द CMA इज अ टास्क, ये इम्प्लीमेंटिंग है दीज रिकमेंडेशंस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट एज रिक्वायर्ड। जैसी भी आवश्यकता होगी, जैसी भी रिकमेंडेशंस होगी, उसी के हिसाब से इसको चेंज किया जाएगा। इट सर्व एज ए मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ कावेरी रिवर बेसिन टू एड्रेस द वाटर नीड फॉर स्टेट इन्वॉल्विंग वाइल मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। सो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ही इसको लाया गया था बाई द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब कहानी क्या है भाई, इसमें कहानी आज की में क्या दे दी, अब हमने ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा न्यूज में देखते हैं क्या है हमारे पास। अगर हम देखने की कोशिश करें तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्चुअली में फ्राइडे को, यू कैन से दैट आज सैटरडे है, इसने एक अपहेल्ड किया जो कावेरी वाटर रेगुलेशंस कमेटी है, या कह सकते हैं आप इसकी पुष्टि की गई है ना, जिसमें कर्नाटका को रिलीज होगा लगभग 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, है ना, किसके द्वारा फीट करेगा, किसको, तमिलनाडु को, ड्यू टू टिल 15 अक्टूबर। यही कहानी है, यानी कि तमिलनाडु हमेशा पानी के लिए तरसता रहता है और कर्नाटका का सीन क्या है, वो कहता है यार हमारे किसान हैं और उनको कहीं पैडी में पानी की जरूरत पड़ती है, वीट में पानी की जरूरत पड़ती है। तो देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में रह के भी अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया फिर भी तमिलनाडु और कर्नाटका जो है आपस में भिड़े रहते हैं, है ना। और अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका मेक ए गुड द शॉर्टफॉल लगभग 0.75 million क्यूबिक आइस फीट दैट अराउज, और ये जो जो ये जो एग्रीमेंट हुआ ना ये 15 अक्टूबर है। मैं बताऊं आपको, ये थोड़ा सा वर्डिक्ट जब आएगा, अगर मान लीजिए कुछ भी ड्रामा किया बाय द कर्नाटका फॉर गिविंग द वाटर ऑफ द तमिलनाडु, देन 15 अक्टूबर को ज्यादा न्यूज़पेपर में अच्छा खासा इसका दिया होगा, ठीक है। सो और देखते हैं हम क्या है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे दिया है बांध पासेस ऑफ पीसफुली इन कर्नाटका, बांध की भी बात चल रही है कि भाई ठीक है ऐसा कर दीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। देखिए मैं बताऊं, कर्नाटका की हमेशा डिमांड यही रही, तमिलनाडु की डिमांड हमेशा यही रही, भाई एक बार में पानी मत दो। मान लीजिए कोई आदमी प्यासा है, अब आपने उस आदमी को फॉर एग्जांपल उसी दिन पानी पिला दिया, यार क्या दूसरे दिन प्यास नहीं लगेगी उसे, तीसरे दिन नहीं लगेगी, चौथे दिन नहीं लगेगी क्या? तो कर्नाटका हमेशा यही करता है, जब उसको प्यास लगती है तो भी पानी देता है, अब बाद बाकी दिन वो लेफ्ट कर देता है, और इसी की लड़ाई है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चलता रहता है। तो कह रहे हैं मेरी बात को, तो वो ये चाहता है कि पानी अगर आपको देना है तो भाई एक काम करो रेगुलर बेस पे देते रहो। जैसे मान लीजिए अभी डिसाइडेड हुआ इनका 3000 क्यूबिक यू कैन से दैट फीट पर सेकंड के हिसाब से भी पानी इनका तय हुआ है कि भाई ये ठीक है 15 अक्टूबर दे देना है। अब उसके बाद भी यार तय कर लो ठीक है हम थोड़ा सा 1000 कर देते हैं, है ना, 1000 क्यूबिक कर देते हैं, उसके बाद 500 कर दो। तो इस तरीके के रेशियो में अगर पानी देंगे तो डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ये सारी कहानी उसी को लेके है। ओके चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। एज ऑफ कंसेंट अंडर द पोक्सो मस्ट रिमेन्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, पोक्सो के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा मैं कि जो कंसेंट एज के बारे में जो भी कंसेंट होगी वो एक्चुअली में अभी बची हुई है। तो सबसे पहले हम पोक्सो की हिस्ट्री देखते हैं कि पोक्सो है क्या, है ना, हमें पोक्सो पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे, ओके सॉरी ओके देखते हैं पोक्सो। देखिए ये इंडिया में रहकर कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई क्या सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कुछ चीजें हैं या नहीं है। तो पोक्सो एक्चुअली मैं इसको स्टैंड की बात करें तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म समझ लें, प्रोटेक्शंस। देखिए फुल फॉर्म से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये चीज क्या है भाई।
प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि जो जो कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे जो 18 एज से हैं, क्योंकि हमारा 18-21 चल रहा है शादी का, तो अगर 18 साल से नीचे जो भी काउंट होगा वो आप कह सकते हैं बच्चा है। अगर उसके खिलाफ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, मतलब उसके साथ रेप होता है या मर्डर होता है उसका, ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी किसमें, पोक्सो में। सो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क है इन इंडिया। और इसका एम क्या है भाई, इसका एम है सेफ गार्ड करना चिल्ड्रंस को फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। यू कैन से दैट, जैसे अभी उज्जैन में एक केस हुआ, देखिए मैं बताऊँ, ये बहुत बर्बरता की बात है, शायद उसमें ऑटो वाला था और आई थिंक उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, भारत सोनी है ना, भारत सोनी। उस बंदे ने क्या किया कि भाई उस बंदे ने जो है वो लड़की अपने घर से रूट के भाग के चली आई, तो उस बंदे ने उसको ऑटो में बिठाला और ऑटो में बिठाने के बाद 5 लोग और उसके साथ थे, उन लोगों ने रेप किया। और रेप करने के बाद, मतलब बड़ी शर्मनाक बात है कि 700 CCTV कैमरे, आप समझते रहे ना मेरी बात को, और देखिए पोक्सो कैसे लगेगा, उज्जैन में मट्टी तो खराब है इन लोगों की। अब क्या हुआ, उस बंदे ने खुद रेप किया, उसके बाद 4 ऑटो वाले और थे उसमें, है ना। तो अब क्या होगी, अब क्या किया इस बंदे ने मतलब रेप करने के बाद उस बंदी को छोड़ दिया। अब ये समझ लो कि लगभग मान लो आप 20 से लेके 25 किलोमीटर, या फिर मान लो आप इस तरीके से मतलब पैदल चली, और मतलब ऊपर कपड़ा था उसके बट नीचे कपड़ा नहीं था, तो इस चक्कर में कोई एक पंडित था, उसने शायद हेल्प की है, उनकी पुजारी है ना। तो अब ये तो तय है कि उन पे पॉक्सो एक्ट लगेगा, है ना। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया केस स्टडी वाला, यूपीएससी में ये आपका केस स्टडी में काम आएगा, थोड़ा सा आप इसको देख लें कि केस स्टडी में ये कैसे काम आएगा। तो उसके बाद करते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, जैसे पर्पस की बात करें तो पॉक्सो को इसको इनेक्टेड किया गया था 2012 में, और ये एड्रेस करता है राइजिंग केसेस ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। इसका प्राइमरी पर्पस जो है, ये प्रोवाइडेड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन जो 18 साल से कम है और जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पोक्सो है क्या। पोक्सो एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने का काम करता है चिल्ड्रन को फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, और वो भी कितने एज से कम, 18 साल से। ये थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है। अगर हम इसके डिफिनेशन और ऑफेंस की बात करें तो ये एक्ट डिफाइन करता है वेरियस सेक्सुअल ऑफेंस को, जैसे आप कह सकते हैं जैसे अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड चिल्ड्रंस मोलिस्टेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, जैसे ये जो निर्भया कांड हुआ था, है ना, तो वहाँ पे पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट हुआ था कि मतलब रॉड वगैरह जो उसकी बॉडी में जो है उसको भी एंटर कर दिया था। इट आल्सो कंसिडर नॉन फिजिक फॉर्म ऑफ द एब्यूज सच एज ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन। स्पेशल कोर्ट की बात करें तो पोक्सो को स्टेबलाइज किया गया है स्पेशल कोर्ट के थ्रू, जिसमें आप स्पीडी ट्रायल्स होती है, है ना, और जो केसेस हैं वो रिलेटेड टू है सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंस से लेके। ये जो कोर्ट है इसका एम क्या है, इसका एम है इंश्योर करना, ठीक है, जो केस है डिस्पोज ऑफ क्विकली, मिनिमाइज द ट्रॉमा ऑफ द चिल्ड्रंस विक्टिम, ठीक है। अगर हम चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ है चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर में फॉर द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है, एविडेंस मिल जाते हैं, लीगल प्रोसेस, ठीक है, मिल जाता है चाइल्ड विक्टिम के खिलाफ, ठीक है। द इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर इन कैमरा ट्रायल्स, द प्रेजेंस ऑफ द सपोर्ट पर्सन ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, ओके। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पोक्सो है क्या। अच्छा, इसमें कुछ चेंज किए गए, सो देखते हैं। ओवर द ईयर दे हैव बीन अमेंडमेंट टू द पोक्सो एक्ट टू स्ट्रेंथन इट्स प्रोविजन एंड इंश्योर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रंस। तो ये मोर, यू कैन से दैट, किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है चाइल्ड को लेके, ओके। सो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और इसमें एज कंसेंट जो है थोड़ा सा उसको देखते हैं, जो गवर्नमेंट ये इसने वही अभी मैंने बताया, करंटली तो 18 एज है अंडर द पोक्सो के में, ठीक है। और लॉ कमीशन वही क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट मेड पब्लिक ऑन फ्राइडे, ठीक है, इंस्टीट्यूट इसने एडवाइस दी है कि जो इंट्रोडक्शन होगा ऑफ दी किसके थ्रू गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन, वाइल इसने बोला है कि सेंटेंसिंग इन केस ऑफ इन्वॉल्व डिटेक्टिव अप्रूवल ऑफ द चिल्ड्रन इन द 16-18 ईयर ब्रैकेट्स। उसने 16-18 की बात करी है ना, जो अभी इसके चेंज की बात हो रही है। और अगर हम सेकेंड लॉ कमीशन की बात करें, जिसको जस्टिस रितु राज अवस्थी एक्चुअली में इसको हायर कर रही है, इन्होंने सबमिटेड अपनी रिपोर्ट की, जिसमें दो लॉ मिनिस्टर को 27 सितंबर की बात थी, ठीक है। और इसने
पोस्टेड किया मिनिस्ट्री वेबसाइट्स को। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या अभी ये जो कंसेंट्स है वो 16 to 18 की बात चल रही है। ओके सो आज मैं आपको बता दूं, हम अपने जो भी ये अपना इम्पोर्टेंट द हिंदू था उसको आज हम यही रोकेंगे। ओके और जो हमारे पास न्यूज़ थी उसको हमने कम्प्लीटली करने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी करें बट पीसी देखते रहें। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट विच इज द कंपाइलेशन ऑफ द पीआईबी द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड विच इज कम टुडे टुमारो आई थिंक यू विल गेट एक्सेस एट द टाइम ऑफ द 5 and 6 o'clock टुमारो। ओके सो कल हम इसका कंपाइलेशन देखेंगे। कंपाइलेशन हमारे पास होगा पीआईबी एंड द हिंदू एंड यू कैन से दैट इंडियन एक्सप्रेस एंड वी आर इंक्लूडेड ऑफ द मिंट, है ना। मैं थोड़ी कोशिश भी कर रहा हूँ कि मिंट को भी इंक्लूड कर लिया जाए या फिर डाउन टू अर्थ को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। ओके सो जो भी मैप हमारी न्यूज में रही है हम उसको भी देखेंगे। आज हम अपने शासन को यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज कंटिन्यू आप ना क्या करें, पीसी को जरूर देखते रहें। मुझे लगता है कि पीसी अब तक मैंने 90 दिन का अगर आप एक बार देख के रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली है। अगर यूपीएससी की कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक बार थैंक यू जरूर बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा कंपाइलेशन है ना विद हैंड रिटन नोट्स। ओके सो आप उसको देखते रहें। चलिए ओके थैंक यू सो मच।